we talk about interactive flat panel display, continuation use के बाद में एक certain amount of heat जो है वो emit होता है. You take any kind of display, it emits a little amount of heat. Suppose for example, आपका panel जो है वो continuation में 9 hours आपके जो lectures हैं वो morning 7 o'clock से लेकर evening 9 o'clock तक like 16-17 hours का continuous आपको work है panel के ऊपर. Fair enough, ठीक है. अब इसको आपको rest कैसे देना और इसकी efficiency कैसे बढ़ानी, जस्ट मेक श्योर करें कि जब भी एक टीचर का सेशन खत्म होता है डेफिनेटली एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में एटलीस्ट 5 मिनट्स का गैप होता है या 2-3 मिनट्स जो भी गैप होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी कंटिन्यूएशन में नहीं पढ़ाई करते. यू नीड टू गिव प्रैक्टिस टू योर टीचर्स कि जब भी वो लोग क्लासरूम से मूव आउट कर रहे हैं उनको इस पैनल को स्लीप मोड पर डालना है, ठीक है. देयर इज अ वे कि वो स्लीप मोड पर कैसे डाल सकते हैं. दे जस्ट हैव टू कम टू होम, यूज योर 5 फिंगर्स और आपके 5 फिंगर्स को यहाँ पर रखना, ये स्लीप मोड में चले गया. थोड़ी देर के लिए इसका जो एक्टिविटी है वो बंद हो जाता है एंड इट स्टॉप्स एमिटिंग द हीट. उसके बाद में द नेक्स्ट टीचर कम्स इन, व्हाट शी हैज टू डू इज जस्ट पुट द 5 फिंगर्स ओवर हियर एंड द पैनल इज ऑन. वो 5 मिनट्स का रेस्ट भी पैनल के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है. सो क्या करना है, जस्ट पुट द 5 फिंगर्स ऑन, It gets off. ठीक है, तो ये 5 फिंगर स्लीप मोड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द पैनल. थैंक यू.